सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोआरिफ चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरिफ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल टेक्नोआरिफ। तो आज हम आपको इस वीडियो में बोट कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर का मैं अनबॉक्सिंग देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं ये बोट कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर है और ये जो ब्लूटूथ स्पीकर जो है वाटर रेसिस्टेंट है। तो चलिए इसे अनबॉक्स करते हैं। तो इसके मैं बैक साइड में आपको दिखला देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर दिया हुआ है और यहाँ पे सॉफ्ट प्रूफ वाटर रेसिस्टेंट और 3 वाट का स्पीकर दिया हुआ है और यहाँ पर आपको बताया जा रहा है अप टू 10 आवर बैकअप, यानी एक बार चार्ज करेंगे तो ये आपका पक्का 10 घंटे तक ये बैकअप देगा। तो चलिए इसे फटाफट से अनबॉक्स करते हैं। इस तरह से इसे निकाल लेना है। निकालने के बाद इसको बैक साइड में रख दें और यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ से इसे सिलेक्ट, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ मैनुअल आपको यहाँ पे मिल जाता है जो कि आपको इस ब्लूटूथ स्पीकर के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा इसमें। तो चलिए इसको साइड में रखते हैं और यहाँ पर देख सकते हैं ये एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाता है जो कि यहाँ पर मैन्युफैक्चर 1 साल का वारंटी मिलता है। तो चलिए इसे भी साइड में करते हैं। अब यहाँ पे मेन कंटेंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लूटूथ स्पीकर जो है बोट कंपनी का रखा हुआ है। तो इसे निकाल लेते हैं यहाँ पर और इसके साइड में रखते हैं इसको। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे ये 3.5 mm ऑक्स टू ऑक्स केबल मिलता है आपको। और यहाँ पर देख सकते हैं USB 2 micro USB का चार्जिंग केबल मिल जाता है जो कि आप इससे चार्ज कर सकते हैं। तो चलिए इन सब चीज़ को साइड में रखते हैं और यहाँ पर बात करते हैं इस ब्लूटूथ स्पीकर को। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बना हुआ है, काफ़ी इसका अच्छा मटेरियल यूज किया गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त लुक है इसका और हाथ में भी लेने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर बहुत ही गजब का क्वालिटी है इसका। तो चलिए अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बोट का ब्रांडिंग दिया हुआ है और यहाँ पे बैक साइड में भी बोट का ब्रांडिंग दिया हुआ है। और ये ऊपर की तरफ में देखेंगे तो यहाँ पे पावर का बटन मिल जाता है और यहाँ पे वॉल्यूम माइनस का और यहाँ पे पुश एंड प्ले का बटन मिल जाता है और यहाँ पे आपको माइक्रोफोन जो है इनबिल्ट आपको इसमें मिलता है, तो आप यहाँ से कॉल भी रिसीव कर सकते हैं। और यहाँ पे वॉल्यूम प्लस का बटन मिल जाता है और इस साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आपको USB चार्ज ऑक्सीजन मतलब आपको यहाँ पे इसमें मिल जाता है। तो आपको इसे ओपन कर लेना है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं micro USB चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे 3.5 mm और ये जैक का मिल जाता है, तो आप यहाँ पर से इससे भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। तो चलिए इसे ऑन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये ऑन हो चुका है और यहाँ पे LED जो है वर्क कर रहा है। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ पे सॉन्ग प्ले करके दिखला दे रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर लेना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे बोट स्टोन 200 ये इसका मॉडल नंबर है, ये इसी नेम से कनेक्ट होगा। तो चलिए इसे कनेक्ट कर लेते हैं। कनेक्ट कर लेने के बाद आप सुन चुके हैं हमें यहाँ पे ये कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पे जैसे ही ये कनेक्ट होगा यहाँ पे कनेक्टेड फॉर फोन कॉल्स एंड मीडिया प्लेबैक बैटरी, यहाँ पे आपको बैटरी इंडिकेट करेगा कि कितना परसेंटेज आपका बैटरी इस ब्लूटूथ स्पीकर का बच रहा है। तो चलिए सॉन्ग प्ले करके आपको सुनाते हैं। Yeah.
चढ़ पावे, दिल चैन कहीं ना पावे, पावे पावे जो खेल जावे, सारी रात नींद ना आवे, तैनू बड़ा तड़ पावे, दिल चैन कहीं ना पावे, पावे पावे फ्रेंड्स। आपको पता चल ही चुका होगा कि इसका साउंड क्वालिटी कैसा है, तो साउंड क्वालिटी इसका काफ़ी अच्छा है, इसका बास भी काफ़ी अच्छा रहा था और यहाँ पे साउंड की क्लियरिटी भी काफ़ी अच्छी थी। तो यहाँ पे बोट कंपनी जो है बास के नाम से ही जाना जाता है, जो कि यहाँ पे 3 वाट का स्पीकर दे करके भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा बास आपको यहाँ पे मिला है। तो बोट कंपनी जो है बास के नाम से ही जाना जाता है, जो कि इसका ईयरफोन भी आता है तो एक्स्ट्रा बास नाम करके आता है, जो कि मैंने यहाँ पे एक अनबॉक्सिंग ईयरफोन का किया है। अगर आप वो नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, आप वहाँ से इसका अनबॉक्सिंग वीडियो ईयरफोन का देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।